चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बता दें कि एक ही परिवार की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। वहीं घर के मुखिया की अगर बात की जाए तो घर का मुखिया गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है। दरअसल माँ, बेटा और बेटी तीनों की गला, यहाँ पर तीनों का गला तेज धारदार हथियार से रेता गया है। घर का मुखिया अभी भी पीजीआई में जिंदगी की जंग लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि ट्रिपल मर्डर से यहाँ पर चंडीगढ़ दहल चुका है। हालांकि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, सबसे बड़ा सवाल या निशान यही है कि आखिर इतनी बेरहमी से हत्या की क्यों गई। तो बेहद दिल दहला देने वाला मामला यहां पर चंडीगढ़ से सामने आया है, जहां पर मां, बेटा और बेटी की यहां पर गला रेत कर तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। वहीं अगर घर के मुखिया की बात की जाए तो गंभीर हालत में जिंदगी की जंग लड़ते हुए यहां पर अस्पताल में भर्ती है। एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या का मामला जैसे ही सामने आया, वैसे ही हरियाणा में सनसनी फैल गई है, लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं अगर घर के मुखिया की बात की जाए तो वो गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है और साथ ही साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ट्रिपल मर्डर का केस है, बिल्कुल ये बात क्लियर है। तीन लोगों को जो है बहुत शार्प वेपन से ऐसा लग रहा है कि गला रेत कर मारा गया है यहाँ पे, और उसमें एक महिला और उसके दोनों बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। तो इनके जो इस महिला के जो हस्बैंड है वो भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो रखे हैं। तो उनसे भी जो है पूछना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ, और सीसीटीवी कैमरास भी यहाँ पे लगे हुए हैं, तो उसके भी जो है हम फुटेज निकालेंगे तो ये मामला सारा क्लियर होगा। अभी सीएफएसएल की टीम मौके पे है, तो वो भी जो है से हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार जी हमसे जुड़ चुके हैं। अनिल जी, पूरा अपडेट दीजिए कि क्या कुछ इस पर निकल कर सामने आ रहा है, क्या कोई खुलासा अभी तक हुआ है? जी गुरांसी, आज चंडीगढ़ में ये ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। ये मनी माजरे के एक ही परिवार के तीन सदस्यों का गला रेत कर हत्या कर दी गई है, और इसकी पुष्टि जो चंडीगढ़ पुलिस अधीक्षक ने की है, और ये घटना जो है कल रात की है, और एक ही परिवार के तीन सदस्यों को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया है। और पुलिस को जो है तीनों सदस्यों के जो सब है वो खून से लथपथ मिले हैं, और मौके पर जो थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच, फोरेंसिक टीम और एसएसपी नीलांबरी जगदले जांच के लिए पहुंच गई हैं, और अभी जांच चल रही है। और ये जरूर है कि एसएसपी नीलांबरी जगदले ने इस ट्रिपल हत्याकांड की पुष्टि कर दी है, और जो घर का मुखिया था वो पंचकुला सेक्टर 9 में कृष्णा डेयरी के नाम से डेयरी चला रहा था। जी यहाँ पर अनिल जी सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कुछ वजह रह सकती है, यहाँ पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान जारी किया जा रहा है, कि क्योंकि बेहद यहाँ पर दर्दनाक तरीके से मौत दी गई है माँ, बेटा और बेटी को, और परिवार का मुखिया इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, ऐसे में क्या कुछ पुलिस का कहना है? जी जब तक अब घर के मुखिया का इलाज पीजीआई चल रहा है, जब वो स्थिति में होंगे, बताने की स्थिति में कुछ बता पाएंगे, लेकिन अभी जांच चल रही है और उनके थोड़े स्थिति ठीक होगी तो पुलिस को क्या जानकारी देते हैं ये देखना होगा। ये लेकिन ट्रिपल मर्डर की जो है चंडीगढ़ पुलिस की एसएसपी ने पुष्टि कर दी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जरूर करवाने के लिए अनिल जी।